राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाने की मांग पर मंत्री टंकराम वर्मा का एक बयान सामने आया है। बता दें कि मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने बयान में कहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, देश दुनिया की खबरों को हम मोबाइल पर देख रहे हैं, खराबी ईवीएम में नहीं बल्कि उनकी पार्टी में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में जब दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां भी ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, ईवीएम पर दोष देना उचित नहीं है, वे अपनी कमजोरी अपनी कमियों को समझे। नितिन नवीन को प्रभारी बनाने के मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पहले ओम माथुर प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में भाजपा को बहुमत मिला, इसके तहत ही नितिन नवीन को प्रमोट किया गया है और उनके नेतृत्व में हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। ये नितिन नवीन जी हैं सह प्रभारी थे और ओम माथुर जी प्रभारी थे, तो उनके नेतृत्व में देख रहे हैं आप रिजल्ट की कितना बढ़िया रिजल्ट आया। पहले बार भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा प्रतिशत में मत मिला और इतनी ज़्यादा संख्या में भाजपा के विधायक जीत के आए हैं, तो बलि का बकरा बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि सह प्रभारी से उसको प्रभारी प्रमोट किया गया है और उसके नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे।